in that era, like as a female artist, what was your perception of the society, and how did and what society and how would like and what was the society's perception of you both? Like, I don't know about the society, but what I feel, any actor, अगर उसको कोई चैलेंज करना मिले तो इनहिबिशंस तो आते हैं. जैसे इन 80, आई हैव 80 या 80, 81, 82, उस वक्त मैंने लेस्बियन का रोल किया था, मित्राची गोष्ट नाम का एक प्ले विजय तेंदुलकर का मराठी में, फ्रेंड्स स्टोरी करके उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है. So in that play, I had played lesbian character. That time when I played lesbian character, थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था कि subject अभी धीरे 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 लोगों के दिमाग में आ रहा था. उससे पहले अगर उससे भी पहले अगर किया होता तो oh my god, lesbian, you know, ऐसे होता, लेकिन right. थोड़ा थोड़ा वो टैबू निकल जा रहा था इन 80s. और उस वक्त हमने वो प्ले किया था, which was, अगर ये किया है तो हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ बताना चाहते हैं. और ऐसे भी नहीं हुआ कि आज, सॉरी टू से, लेकिन आजकल थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग, सेंसिटिव कि थोड़े से उससे भी एकदम या दे रिएक्ट स्ट्रांगली, दे रिएक्ट टू मच. ये नहीं सोचते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, इससे आई मीन गलती क्या है, फायदा क्या है. नहीं, आपने ये किया है तो ये गलत है. अरे गलत है तो ऐसे गांधी के जमाने में भी ऐसे ही हुआ था. गांधी के जमाने में ये हुआ था कि there was a slight opposition also for Gandhi film, if you remember, yeah, if you see. तो opposition भी ऐसा था कि गांधी हमारे देवता है और उनपे फिल्म बनाते हैं आप, you know, ऐसे थोड़ा सा उसका वो था. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बैकिंग थी, इसकी वजह से भी वो करने मिली. और गांधी का स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये हुआ कि अरे ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये पर्सनैलिटी नहीं है, इन्होंने कितना बड़ा काम किया है इंडिपेंडेंस के लिए, उनका नाम बिल्कुल आया नहीं है. लेकिन ये नहीं सोच रहे थे लोग कि गांधी जी के जो गांधी जी का जीवन है उसमें उनकी अहमियत कितनी है. इट वॉज अ बायोग्राफी, it was not about independence movement or as such, it was a biography. anyway, whatever. to ye thoda sa ho jata hai ki aaj kal react bahut jaldi kar lete hain log. to us waqt shayad wo nahi tha, isliye hum wo bold step le sake. aur logon ne bhi, I mean humne कुछ 25 परफॉर्मेंसेस किए उस प्ले के, और बहुत अच्छा रिस्पांस जिन्होंने भी देखा उस वक्त, whoever has seen the play, they still remember it, कि बहुत बढ़िया प्ले हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था. और तेंदुलकर साहब ने तो, तेंदुलकर साहब तो लिखते ही है अच्छा. सो मैम, आपका जैसे आपने बोला गांधी के बारे में, आप लाइक वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ डिड यू कम अक्रॉस द रोल, या कैसे आपको वो रोल मिला. कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर ऑडिशन, और यू नो व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसेस देन. या एक्चुअली इट वाज टोटली आउट ऑफ द ब्लू जो मेरे पास आया रोल इन द सेंस आई वाज डूइंग अ प्ले in Marathi, and I had gone for a tour of my play. और जब मैं टूर से वापस आई तो डॉली ठाकुर
जो हमारी लाइजॉन ऑफिसर हम कहते हैं, लाइजॉन थी, तो उनका मैंने क्या कहते हैं, एक टेलीग्राम उन्होंने भेजा, तब मेरे पास फोन नहीं था, एक टेलीग्राम भेजा था उन्होंने कि रोहिणी रिंग मी अप अर्जेंटली, तो मैंने रिंग किया उनको, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक फिल्म हो रही है और तो आप आज शाम को, यानी उसी 12 जुलाई था शायद वो दिन, आज शाम को सर रिचर्ड अटनबरा सेंटोर होटल में आने वाले हैं, तो उनके उनको मिलने के लिए आप आ जाओ और प्लीज वेयर अ साड़ी वाइल कमिंग एंड गेट योर फोटोग्राफ। तो मेरे पास फोटोग्राफ तो था नहीं, मेरा एक शादी का फोटोग्राफ वो उठा लिया था मैंने और ऐसे ऑडिशन ऑडिशन तो नहीं लेकिन ऐसे मिलने के लिए चली गई थी। सो लाइक मेनी अदर अदर एक्ट्रेसेस और एक्टर्स, इवन आई वेंट एंड मेट सर रिचर्ड, और वहां मेरे साथ और भी दो लोग थे जो एनएसडी के ही थे, और कोई अलग अलग दूसरे दूसरे रोल्स के लिए थे, लेकिन हम चार लोग, क्योंकि जयदेव जी भी साथ में थे मेरे एज एन एस्कॉर्ट, तो हम चले गए वहां पे। सर रिचर्ड आए और उनके साथ हम उनके रूम में गए, चाय पानी हुआ, एक घंटा भर बात हुई, मोस्टली बात हुई वो हमारी थिएटर के बारे में बात हुई, क्योंकि सर रिचर्ड खुद थिएटर वाले, शुरू से ही थिएटर वाले एक्टर रह चुके हैं। तो और फिर मैं वापस आ गई और इमिजिएटली दूसरे दिन फिर डॉली का वायर तार आई मुझे कि रिंग में अर्जेंटली, तो मैंने रिंग किया तो उसने कहा कि आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए इंग्लैंड जाना है। ना जब इंग्लैंड का नाम सुना तो पहला मेरा ये हुआ कि डॉली मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, 8 दिन में इंग्लैंड पहुंचना था मुझे, 20 या 21 तारीख को इंग्लैंड पहुंचना था और ये तारीख थी 13 या 14 जुलाई की। तो उसने कहा कि चलो मैं हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ, तुम तैयार हो जाओ। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा प्ले रथ चक्र नाम का प्ले था कमलाकर सारंग लालन सारंग का, तो वो हमारा धुआंधार चल रहा था, तो एक भी दिन ऐसे खाली नहीं था। तो देन आई सेड कैसे मैं, तो डॉली सेड कि रोहिणी डू एनीथिंग बट डोंट लूज दिस चांस टू गो एंड डू योर स्क्रीन टेस्ट। तो फिर है तो लंबी स्टोरी, थोड़ा सा मैंने कमलाकर जी को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया और मैं इंग्लैंड चली गई। और वहां जाते वक्त हमको एक सीन दिया, पासपोर्ट मेरा पहला पासपोर्ट मेरा 6 महीने का था, एक टेम्पररी पासपोर्ट मिला था थैंक गॉड। और देन आई वेंट टू इंग्लैंड, before that we were given a scene from the script jahan pe she refuses to clean latrines, so that scene we were given, we prepared that scene, I prepared for my look also, look in the sense saree blouse england mein kaun mujhe dene wala tha, right from the bindi to mangalsutra to bangles, everything I took with me, and we went there, 3 Kasturba and 3 Gandhis were there for screen test. Dusre jo pairs thi, main aur Ben Kingsley, hamari pair lagai thi unhone, Bhakti Barve and John Hurt, ye dusri pair thi, aur teesri pair Smita Patil and Nasiruddin Shah. Aise उन्होंने अपने आप वो किया था और सबको एक ही सीन दिया था, सेम सीन दिया था। और फिर हमने वहां जाके
when I reached there, I got ready. Then they shot the scene, or bilkul with baqaida, with all the instructions, all the closes and over the shoulders and mid shots and long shots, whatever. So full scene we did there. And the third day, Sir Richard was going to see the screen test. So when he was asked that I can see it, so he said, of course, it's your screen test. You must see that. And so it happened a little bit here. It happened that Jaydev Ji, first of all, I was a little bit scared that all of a sudden I am going, first time I am traveling outside India, first time I am traveling to where I couldn't fall back on my mother tongue or my language. I had to speak English all the time. So wo ek thoda sa wo tha. And teesra ye tha ki somebody's ye examination jaisa tha. To Jaydev ji ne bataya tha, just go there, do your best and come back. Don't worry about anything. You have nothing to lose. Tumhara ek play chal raha hai, so we are okay. So wo thoda sa jo tension hota hai wo kam hua tha. Dusri baat Jaydev ji ne mujhe kahi thi ki Rani, you are a theater actor, that too Marathi. To thoda sa dhyan rakhna ki camera tumse bahut dur nahi hai. ये थोड़ा सा ध्यान रखना और काम करना, इतना ही उन्होंने कहा था. तो ये सब होने के बाद जब हमने स्क्रीन पे देखी मैंने, तो जयदेव जी क्या बोल रहे थे ये मेरे ध्यान में आने लगा कि यू लुक सो बिग ऑन द स्क्रीन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी movement, or आपकी जो muscle की movement है, you have to control. आपकी theater में audience is 15, पहला आदमी जो होता है audience में वो 15 feet दूर होता है. यहाँ पे camera 3 feet दूर होता है, so monstrous लगता है. तो just be careful about it. तो वो थोड़ा सा मुझे याद आया. एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सर रिचर्ड ने भी सेम लेकिन अलग अलग तरीके से मुझे बताया. उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह देखी और हम बाहर आए तो पूछने लगे कि हाँ, सो व्हाट डू यू फील अबाउट योर स्क्रीन टेस्ट. आई सेड, अब मैं क्या, मेरी अंग्रेजी में मैं क्या कहूँ अब इनसे. तो मैंने ऐसे ही पता नहीं मैंने क्या कहा, लेकिन कुछ इस तरह कहा कि मैं जरा ज्यादा ही कर रही थी, ऐसे लगा मुझे, यू नो आई वाज डूइंग अ बिट टू मच. तो हंसने लगे और कहने लगे, यार रोहिणी, कीप वन थिंग इन माइंड, द ऑडियंस इज विथ योर कैरेक्टर. जो आप कैरेक्टर कर रहे हो तो ऑडियंस तुम्हारे साथ ही होता है, और अगर उसमें तो उस कैरेक्टर जैसा ही विचार करता है ऑडियंस, और सामने वाला अगर सेम फील कर रहा है, सेम विचार कर रहा है, और तुम ज्यादा करने लगी तो वो हैमिंग लगता है. तो ये थिन लाइन कभी पार मत करना. तो जो भी दिमाग में आता है वो आने दो, अपने आप वो चेहरे पे आ जाएगा. सो द ऑडियंस वाली जो बात उन्होंने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपकी कैरेक्टर सही जा रही है तो लोग आपके साथ होते हैं, तो और आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है. ये थोड़ा सा तब मुझे बहुत अच्छा लगा था जो बताया उन्होंने. वेल, खैर उसके बाद मैं वापस आ गई. वापस आने के बाद उन्होंने पहले तो कहा कि आप यू लूज योर वेट. मैंने कहा
मैं वेट लूज कर रही हूँ लेकिन मैं कैरेक्टर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अगर वेट लूज कर रहे हैं करना चाहते हैं आई मीन तो गुड फॉर मी। तो मैंने थोड़ा सा एक महीने में 8 किलो मैंने कम किया था उस वक्त। और उसके बाद एक महीने के बाद मुझे पता चला कि आई एम डूइंग द रोल। ऐसे हुआ। दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी। सो मैम आपको जैसे आपने थिएटर भी किया है, आपने टीवी भी किया है, आपने फिल्म्स भी की है, तो लाइक फॉर एन एक्टर जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टर्स भी है और लाइक उनको आप कैसे बताना चाहेंगे कि हर एक मोड जो है आप कैसे अप्रोच करोगे, व्हाट इज द लाइक कैसे डिफरेंटली आप अप्रोच करते हो एक थिएटर के प्ले के लिए या फिर एक टीवी के लिए या फिर फिल्म के लिए, हाउ डिफरेंटली डू यू अप्रोच? सी द फॉर सी दीज आर 3 डिफरेंट मीडियम्स। Okay, your character is the same, so the preparation for the character is the same. Sirf medium alag hota hai. Ek mein kya hota hai theater mein? You have 20 days, ek mahina samjho rehearsal ke liye hota hai aapka. Ek mahina, ek ded mahina, jo bhi hai. To usme aapko decide karna hota hai aapki character kya hai. To you get enough time to pinpoint whatever you want to do. फिल्म में ये होता है आपको मालूम होता है कैरेक्टर क्या है आपकी, वो आपके दिमाग में चल रहा है तो वो उस पर आपको पहले से ही काम करना पड़ता है. You don't have enough time to get your character. तो वो पहले ही 10 बार स्क्रिप्ट पढ़ो, जो थिएटर में भी हम करते हैं 10 बार स्क्रिप्ट पढ़ के ही आपको कैरेक्टर दिमाग में आती है, तभी आप रिहर्सल पे जाके जो भी करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हो. तो फिल्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होता है कि पहले से आपको अलर्ट रहना पड़ता है. दूसरा मीडियम का ये प्रॉब्लम है कि आपके सीन्स स्टार्ट टू फिनिश नहीं होते हैं. कभी लास्ट वाला सीन पहले शूट होता है, कभी पहले वाला सीन लास्ट में शूट होता है. क्रोनोलॉजिकली कभी शूट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अदर मेनी अदर थिंग्स की लोकेशन का प्रॉब्लम है, डेट्स का प्रॉब्लम है, ये है वो है. तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ये कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जा रही है और मैं कैसे कैसे उसको अब मैं कैसे उसको दिखा सकती हूँ. टेलीविजन में ये होता है कि आपको सिर्फ कैरेक्टर पता है, आपको बाकी कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वहां सेट पे जाके आपको सीन्स पता चलते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है. तो आपको कैरेक्टर दिमाग में रखनी पड़ती है कि ये मेरी कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के हिसाब से ये चलेगी और फिर ये सीन है वो सीन मैं कैसे करूंगी. तो एन वक्त पे सीन मिलना ये टेलीविजन का प्रॉब्लम है. तो यू हैव टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड देन सो मीडियम का फर्क है लेकिन कैरेक्टर कैरेक्टर तो वही होती है. Right. So now comes the favorite part of I was dying to ask you this. ये जो आपकी मराठी मूवी है वंस मोर, जिसमें आपने दो किरदार निभाए हैं, एक है महारानी का जो एक अलग एरा में दिखाया है और प्रेजेंट एरा में आपने ग्रैंड फादर दादाजी का आपने रोल किया. तो दादाजी का रोल मतलब आपने वो फिजिकैलिटी, वो आवाज, और प्लीज मतलब आप प्लीज बताइए हमें आप कैसे कर लेते हो. हुआ ये कि जब ये मेरे पास आए स्क्रिप्ट लेके और स्क्रिप्ट पूरी सुनाई, मैंने कहा अच्छी है स्क्रिप्ट, वेरी वेरी नाइसली पुट कि एक वन सेट ऑफ यानी कहीं पास्ट में आपका
प्रेजेंट का उत्तर पास में कभी कभी होता है, ऐसी वो थोड़ी सी फिल्म है कि आज ये हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा उनमें संघर्ष चल रहा है, तो पास्ट लाइफ में भी उनके साथ वही संघर्ष हुआ था और जो अभी इस लाइफ में भी वही कंटिन्यू हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऐसे वो था। तो वहां पे महारानी महारानी थी और यहाँ पे मैंने कहा महारानी तो हाँ मुझे पता चला तुम चाहते हैं आपकी मैं महारानी का रोल करूं, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा वो राजकन्या का रोल कौन करने वाली है, तो यही सेट ऑफ एक्टर्स यही है, मैंने कहा सेट ऑफ एक्टर्स यही है तो फिर ग्रैंडफादर कौन कर रहे हैं, तो बोले आप कर रही हैं, मैंने कहा क्या ग्रैंडफादर का मैं करने वाली, मैंने कहा एक क्षण के लिए मैं चुप हो गई, मैंने कहा ओ माय गॉड दिस इज अ चैलेंज एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ लेकिन बहुत काम करना पड़ेगा हमको। तो उन्होंने कहा हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ हम काम करेंगे और पूरी तैयारी के साथ वो करेंगे, आप सिर्फ हाँ बोल दो, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, एक तो प्रोस्थेटिक्स करना पड़ा था क्योंकि महारानी का जो कैरेक्टर था उससे थोड़ा सा अलग लगना चाहिए मेल थोड़ा सा, तो उन्होंने एक फोटोग्राफ बताया मुझे कि इस हिसाब से हम रमेश मोहंती करके जिन्होंने मेरे ख्याल में ऋषि जी और कौन सा वो फिल्म है अमित जी और ऋषि जी की फिल्म थी वो 102 102 Not Out उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने किया था और फिर और एक फिल्म में ऋषि जी का उन्होंने ओल्ड दिखाया था उन्होंने, तो उनको उन्होंने हायर किया था, तो उन्होंने पूरा अपना होमवर्क उन्होंने किया। अब जब मेरे फेस पे उन्होंने वो सब प्रोस्थेटिक, क्योंकि मेरे आंखों के नीचे बैग्स, यहाँ पे नाक मेरी चौड़ी कर दी थी उन्होंने और ऐसे और पूरा टकला पैच, टक्कल वाला पैच एकदम से नो हेयर और यहाँ पे थोड़े 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 हेयर थे ऐसे उन्होंने वो किया था और थोड़ी सी रिंकल्स और उसको मुझे 4 घंटा लगता था करने के लिए, मेकअप करने के लिए। उसके बाद फिर हमने बॉडी पे फिर पेट थोड़ा सा आई मीन दैट वाज वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि बहुत रिलैक्स्ड मैं होती थी क्योंकि बिल्कुल पेट अंदर लेके कहीं पे जाना नहीं था, पेट बाहर तो भी चलेगा। आई यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड ऑन द सेट और फिर पजामा दिया था थोड़ा सा और बहुत ज्यादा पैडिंग नहीं, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा पैडिंग दिया था तो एक थोड़ा सा बल्किनेस करने के लिए और टी शर्ट्स दिए थे तो टी शर्ट में थोड़ा सा पेट दिखेगा और एक मफलर दिया था जो क्योंकि महारानी के साथ वो थोड़ा सा मैच करना था, इसलिए महारानी का जो उत्तरीय होता है वैसे मफलर थोड़ा सा स्कार्फ जैसा मफलर जैसा मैं यूज करती हूँ और उसको ही जैसे मैं घोड़े पे बैठ के मैं चाबुक लेके ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो स्कार्फ से करती थी, तो ये थोड़ा सा वो किया और थोड़ा सा पेट बाहर वो करके थोड़ा पहलवान जैसा और जहां तक हो सके ड्यूरिंग द शूटिंग थोड़ा सा भी ऐसे हुआ कि नहीं ये रोडी जी ये थोड़ा सा लग रहा है, मैंने कहा रीशूट करो तो थोड़ा सा फेमिनाइन अगर लगने लगेगा तो हम थोड़ा सा काम करते थे उसके ऊपर कि नहीं ये थोड़ा सा अलग सा कुछ कर लो ना, तो अलग सा कुछ कर लेते थे ऐसे करके हमने वो रोल किया था एंड
when the picture was out, nobody could recognize me. एग्जैक्टली मैम, हमने आउटपुट देखा, लाइक अगर आपका नाम नहीं आता क्रेडिट्स में, किसी और का नाम डाल देते तो भी पता नहीं चलता कि आप थे. एंड यू मतलब इट वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ मैन, लाइक एक आदमी चल रहा है जो बूढ़ा हो गया है, जो एक ग्रैंडफादर है, एंड यू नो ही इज लाइक लूजिंग हिज माइंड. इतना कन्विंसिंग था वो मैम. लाइक आई वॉज, दिस वॉज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट जो मैं देख रही थी आपके बारे में. एंड आई वॉज लाइक, ये तो मतलब कुछ और ही लेवल पे आप चले गए करके, तो मतलब कमाल ही कर दिया आपने. ये मेरे पास फोटोग्राफ है, अगर देखना चाहते हैं लोग तो. ये महारानी है. हाँ, ये और ये एक ऐसा वीडियो YouTube पे भी है जहाँ पे आपका मेकअप के बाद का मेकअप वाला एक वीडियो है, जहाँ पे आपका मेकअप करते हुए का है, एंड इन द प्रोसेस, एंड देन आपका जो भी आउटपुट है लुक में, और आप जिस तरह से आप चल रहे हो कि पेट बाहर करके एकदम फैल के, मतलब लाइक सही है मैम. आई थिंक these are few stages of my makeup. ये wow. I'll show you. Yeah, this is first, second, third. वो नाक वगैरह भी, नाक भी उन्होंने ज्यादा वो की है. ऐसे एनीवे ओके. सो आई थिंक मेरे पास तो और इतने ही सवाल थे आपके लिए. और आपकी चालबाज की कॉमिक टाइमिंग, आई वांटेड टू जस्ट मेंशन दैट स्पेशली. मुझे मतलब बिकॉज आई हैव बीन सीइंग मूवीज लाइक अर्थ, आपकी जहाँ पे आपका वही जो आपने बोला था, एक बहुत ही छोटा बट इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द स्टोरी अर्थ, एंड लाइक पार्टी या सारांश, ये मूवीज देखने के बाद जब मैंने चालबाज देखी तो आई वॉज ब्लोन. आई वॉज की मतलब ओके, दिस इज नथिंग दैट दिस आर्टिस्ट कांट डू. सो फॉर कॉमिक टाइमिंग, लाइक वॉट डू यू मतलब इज देर अ वे, इज देर अ डिफरेंट मेथड दैट यू अप्रोच टू यू नो अचीव दैट? नॉट मेथड, वैसे मैंने बहुत ज्यादा कॉमिक ऐसे रोल्स नहीं किए हैं, बट आई हैव डन फ्यू कॉमेडीज ऑन स्टेज इन मराठी. तो तब थोड़ा सा वो किया था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट करेक्ट टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट, एंड यू हैव टू हैव क्या कहते हैं उसको, वो पंच लाइन निकालना जिसे बोलते हैं, यू हैव टू हैव प्रैक्टिस फॉर दैट. आई मीन हर टाइम तो वो होता नहीं है, लेकिन आपको स्क्रिप्ट ने भी उतनी ही हेल्प मुझे की थी उस वक्त. हमको जो स्क्रिप्ट हमको मिलती थी वो भी बहुत बढ़िया होती थी, तो उसमें से निकालना बहुत आसान हो जाता था बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट ऑल्सो. राइट, ओके. सो आई थिंक मेरे पास तो और कोई सवाल नहीं है आपको पूछने के लिए. आई एम वेरी, दिस हैज बीन एन ऑनर कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे बात करूं पर्सनली, एंड यू नो आपको सवाल पूछूं आपसे, इंटरैक्टिव सेशन, ये बहुत फ्रूटफुल रहा है. अंकित, डू यू वॉन्ट टू ओपन दिस अप फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स, अगर और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो? अरे मैं थोड़ा ठीक. यस, वी विल ओपन दिस फॉर गाइस, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एंड विल टेक दैट क्वेश्चंस. ओके, सो मैम अभी भी आप पुणे में हो? नहीं, बॉम्बे. बॉम्बे, आई एम फ्रॉम पुणे. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, ग्रेजुएटेड इन पुणे, बीएससी ग्रेजुएट हूं मैं, बॉटनी, chemistry, botany, zoology. I wanted to be a doctor anyway, but then went to National School of Drama, came back, and
I'm here in Mumbai now. So how did acting happen? Like, was that? No, that was not a coincidence, I can say. But my mother was very encouraging, and she put me way back in when I was in third standard or something. That time she put me in a dance class. और हमारे मेरे गुरु थे सुरेंद्र वडगांवकर जो कथकली के टीचर थे, तो कथकली डांसर थे, तो कथकली एंड भरतनाट्यम ये मैंने थर्ड स्टैंडर्ड से टेंथ स्टैंडर्ड तक सीखा। फिर मैट्रिक के लिए जैसे आजकल दसवीं है बाबा बाकी सब बंद करो अब पढ़ाई करो, वैसे हमने भी पढ़ाई करना शुरू किया। बट उससे पहले बिकॉज ऑफ माई डांस एक्चुअली आई गॉट माई फर्स्ट प्ले विच वॉज अ चिल्ड्रंस प्ले, और उसमें तीन जो एक्ट थे, तब तीन एक्ट का प्ले होता था, तीन एक्ट में तीन डांसेस मुझे होते थे। मैं राजकन्या की सखी का रोल करती थी, तो बिकॉज ऑफ माई डांस आई गॉट माई फर्स्ट प्ले। और उसमें फिर मुझे मजा आने लगा। देन उसके बाद मैं मेरे मैट्रिकुलेशन के बाद मेरा डांस छूट गया बिकॉज थिएटर वाज अ न्यू थिंग फॉर मी एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और फिर मेरे फादर आल्सो, माय फादर वाज अ थिएटर पर्सन, ही वाज आई एक्टेड under his direction my first play which I got silver medal in state drama competitions way back in 68, and that's how I started liking theater, loving theater, and he was my first guru. My father was my first guru. उनसे मैंने पहले मेरे लेसन्स जो है वो सीखे। देन आई वेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसके बाद आने के बाद वहां पे थोड़ा सा मेरा वो डिसीजन हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू टेक अप दिस एज माई प्रोफेशन, और एक्टिंग मैं करियर करना चाहती हूँ, और फिर आगे बढ़ती गई। सो आपने एफटीआई में भी ट्राई किया था या फिर अपने मतलब यू चोज एनएसडी ओनली कि नहीं मुझे एनएसडी? नहीं, एफटीआई में वही सवाल मुझे पूछते हैं हमेशा लोग कि मैं पुणे से हूँ और फिर भी एफटीआई नहीं गई। लेकिन तब फिल्म में जाने का कोई ऐसा वो भी नहीं था, और फ्रैंकली स्पीकिंग थिएटर में भी काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा ये हुआ था कि हाँ चलो अभी शादी कर लो, फिर शादी के बाद करने देते हैं या नहीं, यू नो ससुराल वाले, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो थिएटर करना भी बहुत मुश्किल था फॉर मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं 70s की बात कर रही हूँ। तो यानी पहले घर का देखो बाद में थिएटर करो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, होते थे, होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करियर ही करनी है इसमें, और कर ली करियर।